आज और रोजेदार लड़कियों, आज मैं आपको टिकियां बनाना सिखा रही हूँ। देखो अब टिकियों का नाम सुन के वीडियो छोड़ के भागना चाहना कि हमें आती हैं। आई नो हर जिंदा लड़की को कम से कम टिकियां बनानी तो आती हैं, लेकिन मैं आज आपको वक्रे स्टाइल की टिकियां बनाना सिखा रही हूँ, तो मेरे साथ रहिए। तो चिकन ट्राइंगल कटलेट्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चिकन को बॉईल करके उसके रेशे कर लिए हैं और 5 से 6 मैंने आलू लिए हैं और ये स्पाइसेस इसमें ऐड करने हैं, ये जो आपके सामने हैं इनका मैंने सबका एक एक चम्मच ले लिया। तो इनमें मैंने लिया है नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च, साबुत धनिया, काली मिर्च का पाउडर, चाट मसाला और ये मैंने लिया अनारदाना। अब प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें कटिंग हुई भी ले लो या फिर खुद कटिंग कर लो। अब बॉयल आलूओं का बेड़ा गर्क कर दो और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो इसमें ऐड कर दो। इसमें से देखो कोई चीज़ मिस ना करना, ऐड बेशक कर लेना, चाहे तो छीनी पत्ती डाल दो। अब मेक श्योर करो कि आपने इसमें हर चीज़ ऐड कर दिया है। चलो अब अपनी अपनी मर्जी की कोई भी शेप बना लो, चाहे तो चांद तारे ही बना लो, लेकिन गोल शेप ना बनाना क्योंकि वो बहुत पुरानी हो चुकी है। मैं तो यहाँ पे ट्रायंगल बना रही हूँ। अब एक अंडा लो। देखो अंडा ऐसे तोड़ना, अंडा टूट जाए लेकिन अंडा टूटने ना पाए, समझ रहे हो ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब अपना कटलेट उठाओ, उसको अंडे में फेंक दो। देखो अंडे से निकाल लेना, कभी अंडे से निकालना ही भूल जाओ। अब उसकी सर्कस कराओ ब्रेड क्रम्स की प्लेट में। मैं तो इसको फ्रीज करने लगी हूँ ताकि अफ्तारियों में रोज रोज की झंझट से बच सकूं। अब ये कटलेट्स फ्रीज होने के लिए रेडी हैं, तो मैं इन्हें फ्रीज कर लेती हूँ और बाकी के कटलेट्स को मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। चलें अब इनको फ्राई करते हैं। तो इनको डीप फ्राई नहीं किया जाता, आपने भी कम ऑयल में करना है क्योंकि इनके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगे हुए होते हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा ऑयल चूस लेते हैं, प्यासे होते हैं ये तो। और हाँ इस बात का ख्याल जरूर रखना है कि नीचे चूल्हा जला हुआ हो। लो कटलेट्स रेडी हैं, अब आप इनके लास्ट सीन इंजॉय कीजिए। और हाँ अगर आप ट्राई करें तो मुझे इनकी पिक बनाकर इंस्टा पे सेंड कीजिए ताकि मैं अपनी स्टोरी पे लगा सकूं। अल्लाह हाफिज़।